बैठक की जानकारी आ रही है। पीएम आवास पर यह अहम बैठक जारी है। लगभग 6:30 बजे के आसपास ये बैठक चल रही है और उससे लेकर अब तक ये समय जानकारी आ रही है लगभग लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी इस बैठक के जारी रहने की खबर, इसके सीधे सीधे मतलब ये कि इस प्लेन हादसे के बाद, इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसके बीच CCS की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं। CDS के निधन की जैसे ही खबर आई, CCS की एक बैठक चल रही थी और इस बीच एक और जानकारी आ रही कि PM आवास पर अहम बैठक जारी है। PM की गृह मंत्री के साथ एक और बैठक हो रही है। यहां पर दो फर्क है, एक CCS की बैठक हो रही थी और अब गृह मंत्री के साथ PM की बैठक की जानकारी आ रही है। ये दो बड़ी खबरें और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत इस पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, गृह मंत्री के साथ PM की बैठक के मतलब क्या है? देखिए, CCS की बैठक खत्म हो गई, करीब करीब 1 घंटा बैठक चली, 6:30 बजे PM आवास पर बैठक शुरू हुई। CCS के 5 सदस्य वहां पर मौजूद थे और NSA भी उस बैठक में शामिल थे। और CCS की बैठक खत्म करीब 7:30 बजे हुई, बाकी सदस्य निकल गए, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है, वो दोनों अभी अंदर ही है। और गृहमंत्री चूंकि अंदर है, अब आगे कैसे क्या होगा, कई ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चा की जानी है, तो ये अहम हो जाता है कि गृहमंत्री बैठक के बाद भी, CCS की बैठक के बाद भी गृहमंत्री अमित शाह के साथ PM की बैठक अभी चल रही है। जी विक्रांत, लेकिन अहम सवाल ये हो जाता है कि आखिर गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री अगर बैठक कर रहे हैं तो वो कौन से बिंदु हैं जो CCS की बैठक से अलग होंगे, जिन पर चर्चा हो रही है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कई चीजों पे चर्चा इस मामले में हो सकती है, क्योंकि CCS का जो पद था, CDS का जो पद था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसके जनरल विपिन रावत पहले अधिकारी थे जिनको CDS बनाया गया था, देश के पहले CDS थे वो, और अब उनके निधन के बाद वो पद भी एक तरह से अब खाली हुआ है। अब उस पर आगे की तुरंत कार्रवाई सोचनी पड़ेगी सरकार को। ये कई ऐसी चीजें हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। और दूसरी बात की किस तरीके से उनका जो कल पार्थिव शरीर दिल्ली में आएगा, उनके पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार और तमाम चीजें दिल्ली में होनी है, उन सब चीजों पर चर्चा और पूरा, क्योंकि देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल विपिन रावत थे, तो उनका किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा, वहां पर किस तरीके से सरकार, राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। और बहुत ठीक है विक्रांत, लगातार निगाह बना के रखिएगा गृह मंत्री के साथ PM की इस बैठक पर और आगे अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। और शूरवीर के निधन पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है बातचीत करने के लिए उन शूरवीर